टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले विप्रो स्टॉक के बारे में, जिसके हमने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स भी देखे और लॉन्ग टर्म के बारे में आपकी सोच कैसी रहनी चाहिए ये भी हमने कल के वीडियो में देख लिया विद क्वार्टर फोर के रिजल्ट के साथ। और कल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बाद आज स्टॉक में हमें 10% की तेजी देखने को मिली और इसके टारगेट प्राइस देखकर तो आप चौंक जाएंगे। तो कितने अलग अलग लेवल पर इसके टारगेट प्राइजेस आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ इसके फ्यूचर प्लान्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो विप्रो टचेस 52 वीक हाई पोस्ट क्वार्टर फोर नंबर्स। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बाद आज विप्रो में हमें न्यू 52 वीक हाई देखने को मिला। साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट लेवल पर देखा जाए तो विप्रो प्लान्स इंटीग्रेशन विद द कैपको। तो जो विप्रो की प्लानिंग है इंटीग्रेशन की, वो कैपको के साथ देखने को मिल रही है, जिस वजह से हमें बिगेस्ट बाय की कमेंट आते हुए देखने को मिल रही है। बार बार सजेशन हो रहा है कि विप्रो के अंदर आपको बाय करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको इस न्यूज़ में भी दिख जाएगा कि आपको बाय करना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं डिटेल हम। व्हेन विप्रो अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ लंडन हेडक्वार्टर कैपको विच प्रोवाइड्स डिजिटल कंसल्टेंटिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज इन BFSI सेक्टर फॉर $1.45 बिलियन। तो यहाँ पर आप देख सकते होगे कि कितना कुछ यहाँ पर चलते हुए देखने को मिल रहा है। लंडन हेडक्वार्टर में कैपको के चलते प्रोवाइड्स डिजिटल कंसल्टेंटिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिली फॉर BSF सेक्टर। वो भी अमाउंट देखेंगे तो आप $1.45 बिलियन की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लेवल पर इसमें बात की जाए तो ये देखने को मिलता है कि विप्रो हैड अर्लियर स्टार्टेड दैट द एक्विजिशन वॉज एन ऑल कैश डील्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड। जो भी इसके अंदर जो कैश डील होने वाली है वो सभी आपको June 30 के पहले कम्प्लीट होते हुए देखने को मिल जाएगी। जब यहाँ पर डेट अनाउंस हो जाती है, मतलब जो डेट एग्जैक्टली बताई जाती है, तो इस पे से पता चलता है कि इस स्टॉक का जो है वो कॉन्फिडेंस कितना देखने को मिल रहा है कि ये जो कैश डील है वो आपको June 30 के पहले पहले सब कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएगी और सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ इस तरह की इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ये जताती है कि ये स्टॉक में वाकई दमखम हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हैज़ ए ओवर, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं हम कि कैपको विच वर्क विद द मोर देन 100 क्लाइंट्स। तो इसके जो क्लाइंट्स है वो हमें 100 से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट लेवल पर देखा जाए तो सम ऑफ विच इंक्लूड वर्ल्ड्स लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसमें से कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लीड करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट लेवल पर देखा जाए तो हैज़ ओवर 5000 कंसल्टेंट्स हु विल नाउ बी पार्ट ऑफ विप्रो। तो 5000 कंसल्टेंट्स जो है वो अब विप्रो का पार्ट बनते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये विप्रो जो ये स्टॉक है इसमें अब ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं और एक्सपांड भी होते हुए ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर देखा जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा कि द कंपनी एक्सपेक्ट्स कैपको एक्विजिशन टू बोल्स्टर इट्स ऑफरिंग इन द ग्लोबल फाइनेंशियल कंसल्टिंग बिजनेस टेकिंग इट्स रेवेन्यू फ्रॉम करंट $2.5 बिलियन टू $3.2 बिलियन। तो इसके जो रेवेन्यू में भी है तो ये हमें इजाफा होते हुए इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात आते हुए हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो कैपको रेवेन्यू फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 स्टूड एट $700 मिलियन एंड विद द टॉप 30 क्लाइंट्स ब्रिंगिंग इन 79% ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो 79% इसका रेवेन्यू देखा जाए तो 30 क्लाइंट्स की वजह से रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली थी 2020 में। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके जो टारगेट प्राइजेस है, जैसे कि अलग अलग लेवल पर हमें देखने को मिल रहे, तो इसके जो ये टारगेट प्राइजेस है आपको अलग अलग जो इसके विप्रो के जो स्टॉक, ये विप्रो ये जो स्टॉक है इसके अलग अलग लेवल पर लोग इसके बारे में सोच के इसके टारगेट प्राइजेस दिखाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि कोई रेवेन्यू को देखकर इसकी टारगेट प्राइजेस निकाल रहा है, तो कोई इसका परफॉर्मेंस देखकर निकाल रहा है, तो कोई इसका वॉल्यूम, तो कोई इसके लॉन्ग टर्म के सोच और प्लानिंग के तहत इस पर टारगेट प्राइजेस निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको देखने को मिल जाएगा तो नोमुरा की तरफ से रेटिंग आते हुए देखने को मिल रही है। 410 से इसकी टारगेट प्राइजेस बढ़कर 425 बनाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर सीडी की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके टारगेट प्राइजेस 460 से लेकर यहाँ पे 510 तक के देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टारगेट प्राइजेस CLSA की तरफ से देखा जाए तो 450 के निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं जेफरीज की तरफ से देखा जाए तो 380 के इसके टारगेट प्राइजेस निकल कर आते हैं। और ये जो नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये सबके हमें अलग अलग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इन्होंने टारगेट प्राइजेस जो है इनके बताए गए हैं।
नेक्स्ट लेयर पे इसमें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखा जाए तो 455 के टारगेट प्राइजेस निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पर शेर खान की बात की जाए तो इसमें हमें टारगेट प्राइजेस निकल कर आते हुए देखने को मिल रहे हैं 510 के। मतलब लगभग सभी के जो टारगेट प्राइजेस है वो मोर देन 480 के करीब करीब हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये जो टारगेट प्राइजेस निकल कर आ रही है ये बताते हैं कि स्टॉक में वाकई सभी लोगों को इसके अंदर दिलचस्पी कितनी है और कितने तौर पर उनको इसमें भरोसा देखने को मिल रहा है विप्रो इस स्टॉक के अंदर। आईटी सेक्टर में का विप्रो स्टॉक की ग्रोथ ये जो है हमें अक्सर स्लो देखने को मिलती है, लेकिन क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बाद इसमें जो ये तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है, इसके टारगेट प्राइस अलग अलग लेवल पर जो आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये स्टॉक में वाकई कुछ बड़ा और ख़ास होने वाला है ये जताते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की भी बात कर ले तो यहाँ पर 500 के टारगेट प्राइसेस निकल कर आते हुए देखने मिल रहे हैं। अब NSE के वेबसाइट पर भी देखा जाए तो यहाँ पर डिलीवरी की क्वांटिटी देखी जाए तो सेलिंग क्वांटिटी और बाइंग की क्वांटिटी दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो बाइंग की क्वांटिटी आपको मोर देन सेलिंग की क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतना पेशेंस तो आपको रखना चाहिए, क्योंकि आज 10% स्टॉक दौड़ा तो कल वो गिर भी सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सिस्टेंसी ऐसी ही बनी रहेगी इस स्टॉक के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देखा जाए तो रेवेन्यू, नेट इनकम, डायल्यूटेड EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन सभी के सभी हमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखने मिल रहे हैं। वहीं क्वार्टर वन क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आप देखेंगे तो उतने कुछ खास नहीं थे, मतलब बहुत ही वर्स्ट हमें देखने को मिले थे, लेकिन जिस किसी ने इसके अंदर पेशेंस बनाए रखा, हिम्मत नहीं हारी, उनको क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखकर कितनी खुशी मिलती होगी और क्या कुछ प्रॉफिट उनको मिलता होगा आप इससे सोच सकते हैं, जिसके चलते आज विप्रो के स्टॉक में आज 10% की तेजी भी हमें देखने को मिली और आप भी स्टॉक फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है 467 पर। सो थैंक यू सो मच।